वेलकम स्टूडेंट्स, हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसके अंदर हम एक मटेरियल की स्पेसिफिक हीट को फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए हम पॉलीस्टायरीन कप को इस्तेमाल करेंगे इस प्रैक्टिकल में। एक मटेरियल की स्पेसिफिक हीट से मुराद ये है कि जब किसी मटेरियल के 1 ग्राम का टेम्परेचर हम इंक्रीज करना चाहें 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो उस मटेरियल को जितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है उस हीट को स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। तो इस प्रैक्टिकल में हम एक बॉब इस्तेमाल करेंगे जो कि ब्रास के मटेरियल का बना हुआ होगा। तो हम ब्रास के मटेरियल की स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम पॉलीस्टायरीन कप को यूज़ करेंगे। तो हम देखते हैं कि पॉलीस्टायरीन कप्स को हम अक्सर कॉफ़ी या चाय पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम गर्म चाय या गर्म कॉफ़ी इन कप्स के अंदर डालते हैं तो वो काफ़ी देर तक गर्म रहती हैं। उसकी वजह यह है कि पॉलीस्टायरीन कप जिस मटेरियल का बना हुआ होता है वो चाय की या फिर कॉफ़ी की जो गर्माहट है उसको बहुत कम एब्जॉर्ब करता है, इसलिए जो इसकी हीट कैपेसिटी होती है वो नेग्लिजिबल होती है। इसीलिए इस पॉलीस्टायरीन कप को हम इस प्रैक्टिकल में इस्तेमाल करेंगे। इस प्रैक्टिकल में हम मेथड ऑफ मिक्सचर को अपनाएंगे, यानी कि जब दो मटेरियल्स को आपस में करीब लाया जाता है जिनमें से एक मटेरियल ज़्यादा टेम्परेचर का हो और दूसरा मटेरियल कम टेम्परेचर का हो, तो जब उनको एक दूसरे के पास रखा जाता है यानी कि वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, तो थोड़ी देर बाद वो एक टेम्परेचर पे आ जाते हैं, यानी कि एक मटेरियल हीट लूज करता है तो दूसरा मटेरियल हीट गेन करता है। तो इसी असूल को अपनाते हुए हम इस प्रैक्टिकल में एक मटेरियल यानी कि ब्रास की स्पेसिफिक हीट को फाइंड आउट करेंगे। इस प्रैक्टिकल को हम इन स्टेप्स में करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें प्रैक्टिकल करने के लिए क्या चीज़ें यानी कि क्या एपरेटस चाहिए। फिर इस प्रैक्टिकल को करने का तरीका डिस्कस करेंगे, जिसके दौरान हम कुछ मेजरमेंट्स लेंगे और उन मेजरमेंट्स की मदद से जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट में ब्रास की स्पेसिफिक हीट क्या आती है। तो अब हम देखेंगे कि हमें क्या क्या एपरेटस चाहिए होगा इस प्रैक्टिकल के लिए। सबसे पहले हमें 2 आयरन स्टैंड्स चाहिए होंगे जिनके साथ क्लैंप्स लगे हुए हों, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमें वायर गॉज चाहिए होगा, ट्राईपॉड स्टैंड चाहिए होगा, बंसन बर्नर चाहिए होगा और इसके साथ साथ हमें मैच बॉक्स चाहिए होगा, एक ग्लास रॉड चाहिए होगा जिसे हम स्टिरर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, 2 थर्मामीटर चाहिए होंगे 1/2 डिग्रीज के। इसके अलावा हमें एक बॉब चाहिए होगा जिसके साथ हुक हो और हुक के साथ हमने स्ट्रिंग लगाया हुआ है और ये बॉब ब्रास मटेरियल का बना होगा। पॉलीस्टायरीन कप चाहिए होगा जिसके साथ लिड हो, 2 बीकर्स चाहिए होंगे जिनमें से एक में हमने पानी भरा हुआ है और इसके अलावा हमें चाहिए होगा डिजिटल वेट बैलेंस। तो इसके बाद अब हम प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पॉलीस्टायरीन कप को इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर रखेंगे ताकि हम इसका मास फाइंड आउट कर सकें। तो मेरे पास जो पॉलीस्टायरीन कप का मास आ रहा है वो आ रहा है 1.6 ग्राम, जिसको मैंने M1 से डिनोट किया है और ये मेरे पास एम्प्टी पॉलीस्टायरीन कप का मास आया है। इसके बाद हम पॉलीस्टायरीन कप के अंदर तकरीबन 30 मिलीलीटर तक पानी डालेंगे और फिर इसको हम दोबारा से इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर रखेंगे ताकि हम पॉलीस्टायरीन कप और पानी का मास फाइंड आउट कर सकें। तो मेरे पास पॉलीस्टायरीन कप का पानी के साथ जो मास आ रहा है उसे मैंने M2 से डिनोट किया है, जो कि आ रहा है 33.3 ग्राम। इसके बाद हम पानी का मास फाइंड आउट करने के लिए M2 में से M1 को माइनस करेंगे, तो मेरे पास जो पानी का मास है उसे मैंने MW से डिनोट किया है और ये हमारे पास आ रहा है 33.3 ग्राम माइनस 1.6 ग्राम यानी 31.7 ग्राम। अब इसके बाद हम एक आयरन स्टैंड के क्लैंप के साथ थर्मामीटर को लटकाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं,
और इसके बाद हम आहिस्ता से इस थर्मामीटर को नीचे ला रहे हैं कि वो इस पॉलीस्टाइरीन कप के लिड में से गुजरते हुए इस पॉलीस्टाइरीन कप के अंदर पानी के अंदर डिप हो जाए। और हम ये ध्यान रखेंगे कि ये थर्मामीटर इस तरह से इस पॉलीस्टाइरीन कप के अंदर जाए कि ये इसकी नीचे वाली सतह के साथ ना टकराए, बल्कि सिर्फ पानी के अंदर डिप हो। इसके साथ साथ हम ग्लास रॉड की मदद से इसको स्टिर करते जाएंगे, हिलाते जाएंगे पानी को, ताकि जो दर्जा हरारत है इस पानी का वो ठीक तरह से हम नोट कर पाएं थर्मामीटर की मदद से। तो अब हम इस पानी का टेम्परेचर नोट करेंगे जो कि हमारे पास आ रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पानी के इस इनिशियल टेम्परेचर को मैं अपने पास नोट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने पानी के इनिशियल टेम्परेचर को नोट कर लिया है जिसको मैंने θ1 से डिनोट किया है। इसके बाद हम बॉब लेंगे जिसके साथ हमने थ्रेड अटैच किया हुआ है, और उस बॉब को हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर रखेंगे ताकि हम उसका मास फाइंड आउट कर सकें। तो बॉब का जो मास है वो मेरे पास आया है 90 ग्राम, जिसको मैंने MB से डिनोट किया है। इसके बाद हमने बीकर लिया है जिसमें हमने पानी भरा हुआ था, उसको हमने ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर इस तरह से रखा है कि ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर वायर गॉज मौजूद है और उसके ऊपर हमने बीकर रखा है। और नीचे आप देख सकते हैं कि इसके नीचे बंसन बर्नर है जिसको हम मैच स्टिक की मदद से ऑन कर रहे हैं। अब हम एक और आयरन स्टैंड के साथ थर्मामीटर को इस तरह से लटका चुके हैं कि वो थर्मामीटर इस बीकर के अंदर मौजूद पानी के अंदर डिप हुआ हुआ है। तो हम काफ़ी देर तक अब इस पानी को हीटअप करेंगे बंसन बर्नर की मदद से। फिर जब ये काफ़ी गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम बॉब को डाल देंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने बॉब को इस पानी में डाला है जो कि काफ़ी गर्म हो चुका था। अब हम इसके दौरान काफ़ी देर तक इसको गर्म करते रहेंगे और साथ साथ स्टिर करते रहेंगे इस मिक्सचर को, ताकि पूरे जो लिक्विड का टेम्परेचर है वो एक जैसा हो जाए। और इस दौरान में हम देखेंगे कि थर्मामीटर पे वो टेम्परेचर जो कांस्टेंट रहे काफ़ी देर तक, वो टेम्परेचर हम नोट करेंगे। तो वो टेम्परेचर हमारे पास आ रहा है 84 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये टेम्परेचर मैंने अपने पास यहाँ पे नोट कर लिया है जो कि है 84 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसे मैंने θ2 से डिनोट किया है। ये बॉब का वो टेम्परेचर है कि जब हमने इसे अभी पॉलीस्टाइरीन कप के अंदर मौजूद पानी में नहीं डाला। और ये बॉब का टेम्परेचर इस तरह से है कि जब हमने बीकर के अंदर बॉब को डाला, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो मटेरियल जब आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो दोनों बॉडीज का टेम्परेचर थोड़ी देर बाद एक जैसा हो जाता है। तो यही जब हमने बॉब गर्म पानी के अंदर डाला तो थोड़ी देर बाद बॉब का टेम्परेचर भी वही हो गया जो पानी का टेम्परेचर था। तो इसीलिए हमने वो टेम्परेचर नोट किया, तो वो टेम्परेचर हमारे पास आया 84 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके बाद जो हमारे पास पहले वाला स्टैंड है जिसके साथ हमने थर्मामीटर लटकाया हुआ था, उसको हम पॉलीस्टायरीन कप के अंदर डिप कर देंगे जिसके अंदर पानी मौजूद है पहले से, और हम एकदम से बीकर के अंदर से बॉब को निकालेंगे और पॉलीस्टाइरीन कप के अंदर डाल देंगे। और इसके बाद हम मिक्सचर को फिर से स्टिर करते जाएंगे और हम ऐसा टेम्परेचर नोट करेंगे जो कि हाईएस्ट टेम्परेचर हो, यानी कि हम देखेंगे कि खास टेम्परेचर तक हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू आएगी टेम्परेचर की और फिर नीचे जाएगी। तो वो हाईएस्ट टेम्परेचर जो हमें यहाँ पे थर्मामीटर पे नज़र आएगा वो हमने नोट करना है। तो वो हमारे पास आया है 41 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर को हम अपने पास नोट कर लेते हैं। तो ये टेम्परेचर मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है जो कि हमारे पास फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर आया है, और इसे मैंने थीटा से डिनोट किया है। इसके बाद हम इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द कप फाइंड आउट करेंगे, यानी कि जब हमने ब्रास पॉप को पानी के अंदर डाला तो उसकी वजह से पानी का टेम्परेचर इंक्रीज किया। तो उसे हम फाइंड आउट करेंगे
थीटा में से थीटा वन को माइनस करके, थीटा वन हमारे पास है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर और थीटा हमारे पास है फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। दैट मीन्स कि 41 डिग्री सेंटीग्रेड में से जब हमने 30 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस किया तो हमारे पास आता है 11 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको मैंने T1 से डिनोट किया है। और ये हमारे पास पानी के अंदर जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है उसकी वैल्यू आई है। इसी तरह से जब हमने बॉब को पॉलीस्टाइरीन कप के अंदर मौजूद पानी में डिप किया तो बॉब जो कि गर्म था और पानी उसके मुकाबले में कम टेम्परेचर पे था, तो बॉब ने अपना टेम्परेचर लूज किया, क्योंकि उसने हीट लूज की तो इसलिए उसके टेम्परेचर में डिक्रीज आया, जिसको हमने T2 से डिनोट किया है। और उसे फाइंड आउट करने के लिए हम थीटा 2 में से थीटा को माइनस करेंगे, जहाँ पे थीटा 2 बॉब का वो टेम्परेचर है जब हमने इसको पानी में ऐड नहीं किया था, और थीटा हमारे पास फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर है। तो यूँ हमारे पास डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ बॉब आता है 43 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसे हमने डिनोट किया है T2 से। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जितनी हीट बॉब लूज करेगा उतनी ही हीट वाटर गेन करेगा। तो इसे हम फॉर्मूले से इस तरह से शो कर सकते हैं कि MbC2T2 इज इक्वल्स टू MwC1T1। तो यहाँ पे हमारे पास जो Mb है, Mb बॉब का मास है, Mw वाटर का मास है, जो C1 है वो हमारे पास वाटर की स्पेसिफिक हीट है, और C2 हमारे पास यहाँ पे ब्रास की स्पेसिफिक हीट है, T1 हमारे पास इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द कप है, T2 हमारे पास डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉब है। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि C1 यानी कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है उसकी वैल्यू होती है 4.2 जाउल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके बाद जब मैंने फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की तो मेरे पास ब्रास की जो स्पेसिफिक हीट आ रही है वो आ रही है 0.378 जाउल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये प्रैक्टिकल अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने ब्रास मटेरियल की स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट की है।